हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक साल का शासन नहीं, कुशासन ही बोलूंगा मैं, ये कार्यकाल पूरा हुआ है और चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। विकास के सारे कार्य बंद पड़े हैं। महंगाई जिस पर वो बहुत बातें करते थे वो इनके नियंत्रण में नहीं है। डीजल की कीमत 7 रुपए बढ़ गई, 30 रुपए सीमेंट की कीमत बढ़ गई एक साल के छोटे से कार्यकाल में। और इसके अलावा 1000 से ज़्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए, 15000 के करीब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी जो बरसात के कारण हुई, लोगों के घर चले गए, 500 लोगों की जिंदगी इस त्रासदी में चले गई। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी आज एक साल का जश्न मना रही है। और मैंने इस बात को लेकर के पहले भी कहा था, अगर थोड़ी सी भी अगर लज्जा होगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता उस रैली का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत बुरी तरह से हार उनकी हुई है चुनाव में। अभी जो हाल ही में राज्य के चुनाव हुए हैं, उनकी सरकारें चले गई और उसी के अनुरूप आज हमको जो जानकारी मिली है, ना राहुल गांधी जी आए और शायद ना ही प्रियंका गांधी जी आई। और इस बात का बड़ा साफ संदेश उन्होंने दिया कि जश्न मनाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके जश्न मनाने की जो उन्होंने जो इच्छा जाहिर की है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में मंडी और कांगड़ा जिले को छोड़ करके, उनकी तारीखें हमारी अलग से हैं, मंडी का कल है, 18 तारीख को कांगड़ा है, आक्रोश दिवस मनाने का हमने तय किया है। और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारा कार्यकर्ता झंडा उठा करके मैदान पर सड़कों पर निकल चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में 2024 में जीत हो, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। कांग्रेस सरकार जश्न मनाने में जुटी है और हिमाचल की जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति से त्रस्त है, गारंटियों की इंतजार में त्रस्त है, बेरोजगार परेशान है और सरकार मस्त है। इतना ही मुझे कहना कि इनका कोई अधिकार आज जश्न मनाने का नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आक्रोश दिवस मना रही है पूरे हिमाचल में। और हम जन जन तक जाएंगे और जनता को चेताएंगे कि इन्होंने जनता को झूठी गारंटियां दी, बहनों को दी, युवाओं को दी, किसानों को दी, बेरोजगारों को दी, और वो झूठी गारंटियां आज ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए हम आक्रोश दिवस मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।